हे गाइज, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स चैनल। तो गाइज़, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स में जो न्यू अपडेट आ चुका है, जो न्यू नोटिस जारी हो चुका है उसके बारे में। तो गाइज़, अभी आप सभी ने अगर अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो बहुत बड़ी खुशखबरी होने वाली है आप सभी के लिए। तो गाइज़, प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इस न्यू अपडेट के बारे में। तो गाइज़, ये जो न्यू अपडेट है ये अपडेट होने वाली है ग्रुप सी की पोस्ट के लिए। तो अभी उसे बढ़ा दिया गया है, यानी कि एक्सटेंड कर दी गई है डेट, उसी के बारे में है। गाइज़, ये जो मतलब पोस्ट निकली थी, नोटिफिकेशन आउट हो गई थी, वो 5 अप्रैल को ही आउट हो गई थी, यानी कि 5 अप्रैल से लेकर आप फॉर्म को फिलअप करके भेज सकते थे। 2 मई तक आपको आपके सभी फॉर्म आप ऑफलाइन तरीके से फॉर्म को भेज सकते थे। लेकिन अब हम सभी को पता है कि जब मई मंथ स्टार्ट हो चुका था तभी से ही लॉकडाउन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, इसीलिए तो बहुत सारे कैंडिडेट्स के फॉर्म मतलब फिलअप हो गए थे लेकिन भेजने के लिए रह गए थे क्योंकि लॉकडाउन लग गया था। इसीलिए अभी भी आपके लिए एक न्यू चांस मिल चुका है आप सभी को, आप फिर से फॉर्म को फिलअप करके भेज सकते हैं। या फिर जिस किसी ने फॉर्म अभी तक नहीं भेजे हैं, किसी को नोटिफिकेशन के बारे में पता ही नहीं था, तो वो भी अभी फॉर्म फिर से फिलअप करके भेज सकते हैं। तो गाइज़, ये जो नोटिफिकेशन का वीडियो है ये 5 अप्रैल को ही मतलब नोटिफिकेशन आउट हो चुका था ग्रुप सी की पोस्ट के लिए, लेकिन अभी आप फिर से फॉर्म फिलअप करके भेज सकते हैं। तो नोटिफिकेशन का वीडियो जो है मैंने अपने चैनल पर पहले ही डाल दिया है, आप उस वीडियो में कंप्लीट आपको जानकारी मिल जाएगी कि कौन सी पोस्ट है, कितने कैटेगरीज होते हैं, कहाँ कहाँ पर आप फॉर्म फिलअप करके भेज सकते हैं और कितने आपको पेमेंट मिलेगा, उस सभी के बारे में नोटिफिकेशन वाले वीडियो में मैंने बता दिया है। इसी के साथ गाइज, जो ये जो फॉर्म फिलअप करना है वो ऑफलाइन तरीके से फॉर्म फिलअप करके भेजना है, इसीलिए हमें मतलब बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये डाउट्स रहता है कि कैसे फॉर्म फिलअप करना है। तो आप सभी को मैंने पहले ही मेरे प्रीवियस वीडियो में बता दिया है कि फॉर्म जो होता है वो ऑफलाइन तरीके से कैसे फॉर्म फिलअप किया जाता है। अगर आपने वो भी वीडियो अभी तक नहीं देखा है या फिर आप इंटरेस्टेड है इस न्यू मतलब वैकेंसीज के लिए, ग्रुप सी की वैकेंसी के लिए एलिजिबल है, तो आप उस वीडियो को भी जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं कि मतलब फॉर्म को ऑफलाइन तरीके से कैसे फिलअप करना है। तो गाइज़, इसी की तरह अभी मतलब जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन्होंने अगर फॉर्म फिलअप नहीं किया है और इंटरेस्टेड है फॉर्म को फिलअप करके भेजने के लिए ग्रुप सी की पोस्ट के लिए एयरफोर्स में, तो प्लीज़ जल्दी कीजिए। अभी आपका जो फॉर्म मतलब डेट जो बढ़ चुका है वो 1 जून तक है, यानी कि आप 1 जून तक आपके फॉर्म फिलअप करके भेज सकते हैं ऑफलाइन तरीके से। तो गाइज़, अगर किसी ने भी अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया है या फिर किसी कारणवश रह गया था फॉर्म को भेजना, तो आप अभी भी फॉर्म को फिलअप करके भेज सकते हैं। आपके लिए एक बहुत बड़ा चांस, बहुत बड़ी खुशखबरी एयरफोर्स ने आउट कर दी है। तो गाइज, आज के इस वीडियो में इतना ही था। तो प्लीज़ अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। पूछा गया था x2/yz, तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसे नहीं चलेगा।